हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पैम्पर यू बांधिता। सो गाइस, आज मैं आपको अपनी स्टोरी बताऊंगी कि कैसे आई गॉट प्रेग्नेंट जबकि मुझे पीसीओडी भी था। ठीक है, तो मैं कैसे प्रेग्नेंट हुई, ठीक है, और मैंने ऐसी कौन कौन सी चीज़ें फॉलो करी जिसकी वजह से मैं नेचुरली विदाउट एनी ट्रीटमेंट प्रेग्नेंट हो गई, कंसीव कर लिया मैंने। तो उनमें से कुछ चीज़ें मैं आपको आगे डिस्कस करूँगी, कुछ के ऊपर मैंने वीडियोस भी बना रखी हैं, ठीक है, तो वो मैं आपको मेंशन कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में लिंक उन वीडियो का, तो आप उसको जाके भी चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, मैंने बहुत ही ज़्यादा रिसर्च के बाद, ठीक है, मैं ये वीडियो बना रही हूँ। ठीक, आई एम नॉट अ डॉक्टर, मैं कोई ऐसे एक्सपर्ट नहीं हूँ कि डाइट बता सकूँ या कोई एक्सरसाइज बता सकूँ। ये जो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस हैं गूगल पे सर्च करके, ठीक है, ये मैंने थ्योरी निकाली है और अपने ऊपर अप्लाई करी है और मुझे उससे रिजल्ट मिले हैं। ठीक है, अलग अलग सबका बॉडी टाइप होता है, सबका एक जैसा नहीं होता, तो मे बी आपको वो रिजल्ट ना मिले, बट मैंने क्या अप्लाई करा है मैं आपको वो शेयर करना चाहती हूँ। ठीक है, बिल्कुल एकदम ट्रू रिव्यू दूंगी। तो ये बात है, अभी अराउंड 2 ईयर होने वाला है मेरी मैरिज को। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर में तो मैंने क्या सोचा, आफ्टर 1 ईयर मैंने सोचा कि मैं कंसीव करूँगी। तो उससे पहले, मैंने कंसीव करने से पहले मैं अपना 3 महीने का पूरा फॉलो बताऊँगी कि मैंने क्या फॉलो किया कंसीव करने से पहले। तो सबसे पहले तो मैंने फॉलो करी सीड साइकिलिंग। सीड साइकिलिंग जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब सीड साइकिलिंग के बारे में अगर आपको जाना है तो एक मैंने शॉर्ट बना रखी है, शॉर्ट वीडियो बना रखी है, लेकिन अगर आपको डिटेल में सीड साइकिलिंग के बारे में जाना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा कि इस टॉपिक पे सीड साइकिलिंग के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बना लीजिए। तो मैंने सीड साइकिलिंग फॉलो करी थी। सीड साइकिलिंग में क्या होता है, आपको अपने पीरियड से लेके 14 डेज तक सर्टेन सीड्स खानी होती हैं, एंड फिर 14 डेज से लेकर 28 डेज तक आपको सर्टेन सीड्स खानी होती है। फर्स्ट टू 14 डेज आपको फ्लैक्स सीड खानी होती है एंड पम्पकिन सीड खानी होती है, एंड नेक्स्ट आपके 14 to 28 डेज आपको खानी होती है सेसमे सीड्स एंड सनफ्लावर सीड्स। ये तो हो गए आपको सीड साइकिलिंग के बारे में, इससे क्या क्या फ़ायदे होते हैं। ठीक है, और अगर आपको पीरियड्स रेगुलर नहीं हो रहे हैं तो तब कैसे आपको सीड साइकिलिंग फॉलो करनी है, उसके ऊपर मैं डिटेल्ड वीडियो बना दूंगी। ठीक है, ये सब मैं अपने रिसर्च और गूगल पे पढ़ती रहती हूँ। ठीक है, तो जो भी मैंने नॉलेज गेन करी है तो उसके बेसिस पे मैं बता रही हूँ और अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से बताऊँगी। तो एक तो मैंने फर्स्ट सीड साइकिलिंग फॉलो करी थी। ठीक है, नेक्स्ट मैं एक ड्रिंक बना के पीती थी, उसकी भी रेसिपी यहीं पे आपको मैं मेंशन कर दूंगी लिंक में। मैंने इससे पहले भी वो वीडियो बना रखी, क्योंकि ये वीडियोज़ मैंने पहले बना रखी है, अपनी प्रेगनेंसी से पहले बना रखी है, जो चीज़ मैंने एक्चुअली में फॉलो करी है और मैं नेचुरली प्रेग्नेंट हो गई हूँ। और तो और गाइस, पीसीओडी होने के बावजूद भी मेरे को नॉर्मल डिलीवरी हुई है। ठीक है, अभी अराउंड 2 मंथ हो गए हैं, मेरा बेबी 2 मंथ का हो जाएगा परसों हो जाएगा 2 मंथ का। ठीक है, तो मतलब आप समझ रहे हो, इन नेचुरल चीज़ों को फॉलो करके मैं कंसीव भी कर लिया मैंने, और मेरी जो पीसीओडी है प्रेगनेंसी के टाइम पे वो बिल्कुल फिनिश हो गई, उससे पहले ही फिनिश हो गई थी। तो फर्स्ट तो आपको बता दिया मैंने सीड साइकिलिंग आपको फॉलो करनी, दूसरा आपको एक डिटॉक्स ड्रिंक है, ठीक है, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो बेसिकली वैसे बता देती हूँ, वो डिटॉक्स ड्रिंक जो है वो है सिनेमन टी है। सिनेमन में गर्म पानी डाल के, नीम के पत्ते डाल के, हल्दी वगैरह और बहुत सारी ये सब चीज़ें डालकर मैं उसको डेली पीती थी, एंड एप्पल साइडर विनेगर डाल के भी। एप्पल साइडर विनेगर की भी मैंने एक वीडियो बना रखी है कि भाई उसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं, है ना। तो ये सब डालकर मैंने वो टी बनाई थी, जो डिटॉक्स ड्रिंक है वो बनाई थी। मैं डेली उसको सुबह पीती थी, बिल्कुल भी मिस नहीं करती थी। तो फर्स्ट तो मैंने क्या सीड साइकिलिंग फॉलो करी थी, नेक्स्ट मैं डिटॉक्स ड्रिंक जो मेरी अपनी खुद की रेसिपी है वो बना के मैं पीती थी। अगर आपको वो रेसिपी देखनी है तो आपको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। ठीक है, तीसरा बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़, डेली 40 to 45 मिनट की एक्सरसाइज आपको करनी है। ठीक है, तो मैं कार्डियो नहीं करती थी, मैं बेसिकली योगा करती थी, और कोई ऐसा हार्श योगा नहीं, कोई टफ योगा नहीं, बस मुझे इतना पता था मुझे पूरे दिन में 40 से 45 दिन जो है एक्सरसाइज के लिए देने ही देने हैं, हर हाल में देने हैं। ठीक है,
एक तो मैं ये करती थी एक्सरसाइज, फर्स्ट सीड साइकिलिंग, देन माय डिटॉक्स ड्रिंक, एंड देन आफ्टर द मॉडरेट एक्सरसाइज. ठीक है, नेक्स्ट फिर मैंने क्या करती थी, थोड़ा मैं मतलब मैं खुश रहने की कोशिश करती थी. ठीक है, हमेशा मतलब स्ट्रेस फ्री रहने की, ज़्यादा से ज़्यादा आप स्ट्रेस फ्री रहोगे तो आपके ओवरीज में सिस्ट जो बनती हैं, पीसीओडी में एक्चुअली होता क्या है, आपके ओवरीज में सिस्ट बन जाती हैं. एंड कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, आउट ऑफ 5 1 वुमेन को हो ही जाती है पीसीओडी. ठीक है, आजकल तो क्योंकि खान पान हम लोग का ऐसा है, इतना गंदा खान पान कर रखा है हमने, एक्सरसाइज नहीं करते, लेजी रहते हैं, वर्क का टेंशन रहता है, तो इस वजह से क्या होता है, हमारी जो ओवरी में सिस्ट हो जाती है. तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, मोस्ट ऑफ दी लड़कियों को मतलब हो ही जाती है क्योंकि उनका लाइफस्टाइल ही सही नहीं रहता. तो पीसीओडी को हटाने का सबसे इम्पॉर्टेंट तरीका है लाइफस्टाइल अपना चेंज करना. ठीक है, उस दौरान जब मेरे को पीसीओडी थी, एक तो मेरे को होता क्या था, मेरे पीरियड्स टाइम पे नहीं आते थे. ठीक है, अगर आप ये चीज़ फॉलो करोगे, ठीक है, मैंने जो आपको बताई है, तो आपके पीरियड्स भी टाइम पे आने लग जाएंगे. ठीक है, वेट आपका ऑब्वियसली वेट कम होगा, तो आप खुश रहेंगे. ठीक है, अपना माइंड अपना सही रखेंगे. एंड इम्पॉर्टेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपको नींद जरूर लेनी है. 8 घंटे की नींद बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. मैंने व्हाट इज़ पीसीओडी की वीडियोस बनाई हैं, उसमें भी ये चीज़ बताई है मेरी. आप अगर आप मुझे लंबे टाइम से फॉलो कर रहे हो, ठीक है, अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखे हैं, तो उसमें आप देखोगे कि मैं पीसीओडी की वीडियोस जो बनाई हैं उसमें ये सब चीज़ें मेंशन करी हैं. तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट व्हाट आई फॉलोड, सीड साइकिलिंग, डिटॉक्स ड्रिंक, एक्सरसाइज 40 to 45 मिनट ऑफ मॉडरेट एक्सरसाइज, एंड 8 hours ऑफ स्लीप. ये बहुत इम्पॉर्टेंट है. एंड प्लीज़ स्ट्रेस फ्री रहो. ये मैंने फॉलो करा था, तब जाके मैं नेचुरली कंसीव हो गई एंड मैंने मेरी नॉर्मल डिलीवरी भी हो गई. क्यों, होता क्या है कि अच्छा मैं ये बताऊँगी कि मैंने जब मेरे प्रेग्नेंट थी तो उस टाइम मैंने कौन कौन सी एक्सरसाइजेस की जिस वजह से मैं जो है नॉर्मल डिलीवरी कर पाई. ठीक है, एक तो आपको अपनी बॉडी को स्ट्रांग बनाना होता है नॉर्मल डिलीवरी के लिए, तो उसकी एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, डोंट वरी. ठीक है, अभी फ़िलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही कि अगर आपको नेचुरली प्रेग्नेंट होना है, तो मैं तो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के आई थिंक सब ये सब पे भी अप्लाई हो सकता है. आप किसी किसी को बहुत ज़्यादा मेजर पीसीओडी होती है जिसमें उनको ट्रीटमेंट करवाना पड़ता है डॉक्टर से, वो आपको फॉलिक एसिड देते हैं, ठीक है, जिंक वगैरह के प्रोवाइड करते हैं कैप्सूल्स वगैरह. ठीक है, वो डॉक्टर की रिकमेंडेशन के हिसाब से ही लेने चाहिए, वो मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगी. मैं तो अपनी नेचुरल डाइट और ये सब चीज़ें बताऊँगी जो जनरली सबको फॉलो करनी ही चाहिए. तो ये इस वीडियो में तो सिर्फ इतना ही. ठीक है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना कि आपको सीड साइकिलिंग की एक डिटेल्ड वीडियो चाहिए, तो मैं आपको मून साइकिल और कैसे सीड साइकिल फॉलो करते हैं वो बताऊँगी. ठीक है, और ये सब मैं रिसर्च के बाद बता रही हूँ. ठीक है, एज सच आई एम नॉट अ डॉक्टर, आई एम नॉट अ डॉक्टर. ठीक है, तो अभी आप मतलब अगर आप इन्फ्लुएंस हो के अब ये सी चीज़ अप्लाई करोगे तो कोई बुरी बात तो है नहीं एक्सरसाइज करना. ठीक है, और आपकी डाइट अच्छी रहना कोई बुरी बात तो नहीं है ना. इसको अप्लाई करने में क्या जाता है ना, और डिटॉक्स ड्रिंक है ये. और अगर आपको सीरियस कोई इशू है तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए और उन्हीं के अकॉर्डिंग चलना चाहिए. ठीक है, तो और हाँ, मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ, आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं. मेरे जो इंस्टाग्राम अकाउंट है वो है पैम्पर यू बाय अंकिता. और गाइस प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, ठीक है, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अच्छे अच्छे कमेंट कर दीजिएगा ताकि मैं बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट होती रहूँ आगे भी इसी तरीके की वीडियोस बनाने के लिए. बाय बाय.